नारियल का तेल लगा लो ना तो इससे है ना कलर ज्यादा टिकता नहीं है, जल्दी से निकल जाता है। मोटी चावड़ी मोटी दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और रंग पंचमी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो आज रंग पंचमी है और आज देखो कैसा दिन निकलता है। उस दिन तो मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं होली नहीं खेलूंगी, तो खेल ली थी और इस बार देखो कि क्या होता है। तो अभी है ना सुबह से मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, सोच सोच के। और बच्चे क्या करते हैं, अगर मतलब है ना उसल होती है ना, जो जानते होंगे उन्हें पता होगा कि वो एक सब्जी टाइप की बनती है। अगर वो होती तो ही पोहे खाते हैं, नहीं तो पोहे नहीं खाते। और आज है संडे का दिन तो आज पोहे बनाना है। तो बस मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ कि है ना उसल है ना है नहीं, तो और दुकान पे भी नहीं है, तो फिर कैसे बनाऊँगी। तो इसलिए बैठी हुई हूँ, वो चोले की बनती है तो इसलिए बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बस मेरा यही टाइम निकल रहा है। और अभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपने अभी देखा ही है ना कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने तो मेरे फेस पे हेयर पे ऑयल लगा के बैठी हुई हूँ क्योंकि है ना पिछली बार का ही मतलब कल ही निकला है, अब इतने को कान में से तो हल्का निकला ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि इतनी जल्दी है ना रंग निकलता नहीं, और मेरे से तो इतनी जल्दी निकलता ही नहीं कुछ भी कर लो, क्योंकि बोलते हैं कपड़े धोने के साबुन से है ना जल्दी रंग निकल जाता है, पर मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि पहले ही मुझे पिंपल्स हो रहे हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखो अब क्या बनता है और क्या करती हूँ मैं। अभी तो सुबह से मैं गाने सुन रही थी, तो गाने बज रहे हैं मेरे यहाँ पर और इतना अच्छा लगता है ना गाने के साथ वीडियो बनाऊँ इंजॉय करूँ, पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसलिए नहीं बनाती हूँ। और अभी हस्बैंड जी और सोनी सो रहे हैं और सब खेल रहे हैं। तो मेरे सोनी को भी होली खेलने का बहुत शौक है, अभी उठ के आई है तो होली खेलना है ना बाबा। हाँ। रुको मैं लगा रही हूँ, रुको रुको मैं लगाऊँ आपको, ये लगाओ लगाओ मम्मी, थोड़ा ग्रीन कलर दे दो, थोड़ा सा ग्रीन कलर दे दो जल्दी, अरे थोड़ा सा ग्रीन, अरे आप भी लगा दो। चलो आप छोटी दीदी को लगा लो, छोटी दीदी को सोनी 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 दीदी को लगाओ, दीदी को लगाओ, अच्छा भाई को लगाओ, अपने भाई को लगा लो, भाई को लगाओ। हैप्पी होली, चलो हैप्पी होली करो, अरे रितिका दीदी को, रितिका दीदी को लगा, अरे रितिका दीदी को नहीं लगाएगी, रितिका दीदी को लगा ना, आजा चल दीदी को लगा, रितिका दीदी को लगा दे, अरे लगाना मैं तुझे नहीं लगाऊंगी, मुझे तो लगा दे इसने, मैं तुझे से दादी के छुट्टी हो पानी में, अब जाओ बड़े में जाओ, हां जाओ छोटे तो बता, सोने ऊपर जा रही है। बचपन से ही ना मुझे होली खेलने का इतना शौक़ है, इतना शौक था सॉरी, क्योंकि अभी मेरे को इतना कोई शौक नहीं रहा है। और जैसे जैसे है ना मतलब हम बड़े हो जाते हैं तो ये शौक पूरा ख़त्म हो जाता है। तो बचपन में तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था होली खेलने का। तो एक मेरे साथ जो मैंने कांड करा था वो बताती हूँ आपको। तो है ना हम लोग है ना मतलब हम लोग इंदौर के रहने वाले हैं, हमारा जो पापा का घर भी इंदौर में है और ससुराल भी इंदौर में है, पर जो मेरी मम्मी का मायका है ना वो दिल्ली का है। तो
हम लोग एक साल है ना दिल्ली में भी रहे हैं जहांगीरपुरी में, और मेरी नानी का घर जो है वो है मलकागंज में। तो जो जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मलकागंज दिल्ली में कहाँ है और जहांगीरपुरी कहाँ है। तो बस हम लोग वहाँ पर एक साल जहांगीरपुरी में रहे, वो हमारी बड़ी मम्मी का घर था। तो पापा का थोड़ा सा यहाँ पर काम वाम अच्छा नहीं चलता था, तो हम लोग वहीं चले गए थे रहने के लिए। मम्मी ले गई थी और मैं थी उस टाइम 9 साल की। तो मुझे होली खेलने का इतना शौक था कि बस, तो हम लोग ने तो क्या करा, मतलब जहांगीरपुरी में जो होलियाँ होती ना, बाप रे बाप, सामने है ना, मतलब सामने बस्ती टाइप का था जो मेरी बड़ी मम्मी का घर था, वो बहुत अच्छी मतलब कॉलोनी में था, पर उनके ठीक सामने है ना बस्ती लगती थी। उस बस्ती में है ना इतनी ज़्यादा सुबह से होली खेलते थे, इतनी खेलते थे कि बस। और उसके बाद है ना थोड़ी थोड़ी देर में होली खेलते खेलते मतलब खून की होली होती है ना वो खेलने लग जाते, और वहाँ तो मर्डर भी हो गए थे एक दो हमारे, मतलब रहते हुए हम जितने टाइम मतलब रहे थे, एक ही बार हमारे सामने तो होली हुई थी, पर वहाँ तो खूनी होली देखी थी हमने। और मम्मी हम लोगों को क्या है बाहर निकलने नहीं देती थी, तो मेरी तो कोई फ्रेंड थी नहीं, तो फिर है ना मुझे कोई भी रंग नहीं लगा रहा। दीदी को शौक नहीं, दीदी खेलती नहीं थी, तो दीदी को कोई शौक नहीं था। मैं को कौन लगाए कौन लगाए, छत पे गई और मैंने खुद ही अपने चेहरे पे कलर लगा लिया, और फिर मुझे सब पूछने लगे कि कहाँ से रंग लगा के आई हो। तो फिर मैंने झूठी बोल दिया कि वो नीचे एक आंटी थी वो लगा के चली गई। तो मुझे इतना ज़्यादा शौक था, और अब तो मुझे ऐसा लगता है होली मत खेलो, देखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म से भजिए, और बच्चे हो मेरे हस्बैंड जी। मैं को उसको उठा लेना। तो आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, रोज रोज खाना रोज रोज खाना, मैंने लगा कि चलो आज भजिए ही बनाती हूँ, तो बस आज भजिए ही खाएंगे हम लोग। देखिए मेरे बाबू भी होली खेला है, मेरे बाबू ने भी होली खेल ली है। कहू बाबू ओ ये कल्लो को देखो, मैं को इधर ही खड़े कितनी छाला लंग लग गया है बच्चों को। मैं कुछ को मोबाइल दे दे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का है, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे आप न्यू हो तो क्या करना है, चैनल को क्या करना है, लाइक करना है सब्सक्राइब करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का है, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।